हम लोग तो चाहेंगे ना सबको एकजुट करने का, तो उसमें पॉजिटिव है काम कर रहे हैं। बहुत लोगों का फोन आ रहा है, बात हो रहा है, हम सब कर रहे हैं, सब करेंगे। पहले अपना यहाँ का काम करके फिर और जगह पर। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप हैं न्यूज़ फाउंडेशन पर। नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज हुए और उसके बाद उन्होंने बिहार में खुद को एनडीए से अलग कर लिया और महागठबंधन की सरकार बन गई। तेजस्वी यादव इस सरकार का हिस्सा है और बिहार में अब डिप्टी सीएम है। जाहिर तौर पर सीएम नीतीश कुमार के निशाने पर साल 2024 के लोकसभा चुनाव हैं, तो उन्होंने साफ कहा है कि उनको अब लगातार फोन आ रहे हैं। साल 2024 को लेकर के उनकी तैयारी शुरू हो गई है। बिहार में सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद वो साल 2024 के अभियान के लिए निकल जाएंगे, यानी कि विपक्ष को एकजुट करेंगे। सबसे बड़ी चुनौती नरेंद्र मोदी की मौजूदा सरकार के खिलाफ यही है कि उनके खिलाफ ना तो कोई एक पुख्ता चेहरा है और ना ही कोई एक ठोस गठबंधन। नीतीश कुमार अब उसी चेहरे या गठबंधन को लेकर के काम करने की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि 2024 में कैसे जिन्होंने जनता से वायदा किया था उनको हराने के लिए काम करना है, उस अभियान को वो बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं और इसके लिए उनके पास कई विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं के फोन भी आना शुरू हो गए। क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार, सुनवाते हैं आपको। नेशनल लेवल पे आपका क्या रोल रहेगा? हम लोग तो चाहेंगे ना सबको एकजुट करने का, तो उसमें पॉजिटिव है काम कर रहे हैं। बहुत लोगों का फोन आ रहा है, बात हो रहा है, हम सब कर रहे हैं, सब करेंगे। पहले अपना यहाँ का काम करके फिर और जगह पर। जल्दी से जल्दी होगा, जल्दी से जल्दी होगा। नहीं, हमने तो कह दिया है कि जल्दी हो जाना चाहिए, क्योंकि आप जानते ही है ना, सब लोग आपस में थोड़ा बात कर रहे हैं और बात करके हमने कहा जल्दी से जल्दी होना चाहिए। तो कल भी पूछ रहे थे तो हमने कहा कि जल्दी होना चाहिए, नहीं तो 15 के बाद तो निश्चित रूप से तुरंत हो जाएगा। 16 को तो होगा, और पहले भी हो जाता हो ना। अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साल 2024 के मिशन में लगने वाले हैं बहुत जल्द, और इसके लिए उनके पास अब विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं के फोन भी आना शुरू हो गए हैं। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में वो किस तरीके से विपक्ष के नेताओं को एकजुट कर पाते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव से जब ये सवाल पूछा गया था, जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं, समाजवादी पार्टी वहां की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, तो उन्होंने साफ कह दिया कि प्रधानमंत्री तो यूपी से ही होना चाहिए। ममता बनर्जी समेत अभी कई राज्यों के विपक्ष के जो मुख्यमंत्री हैं, जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां के मुख्यमंत्रियों की इस पर कोई बात बयान सामने नहीं आया है, लेकिन नीतीश कुमार के बयानों से लग रहा है कि संभवतः अंदर खाने से तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई, क्योंकि साल 2023 से ही 24 की जो लड़ाई है वो शुरू हो जाएगी, या आप कह सकते हैं कि अभी से ही लड़ाई लगभग वो शुरू हो चुकी है। इस कदम से एक कदम और आगे बढ़ें तो बड़ी खबर ये है कि क्या बिहार में ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग होने वाला है। ये सवाल जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि ये सब बेकार बात है, लेकिन आगे उन्होंने इस बात पर ये जोड़ दिया कि जिनको इन एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल की आदत है उनको आने वाले वक्त में जनता जो है जरूर जवाब देगी। तो नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है ईडी और सीबीआई के राज्य के अंदर इस्तेमाल को लेकर के, छोड़ जाते हैं उनके बयान। सबसे बड़ी बात क्या स्थिति उत्पन्न होगी, एक एक चीज सबके सामने आएगा। और आप जान लीजिए देश चलता है संविधान के मुताबिक, और संवैधानिक प्रावधान है केंद्र को क्या करना है, अलग अलग राज्यों का क्या अधिकार है, जो वसूली करते हैं उसमें राज्यों को क्या अधिकार है, ये सब निर्धारित है। अगर इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत होगी तो अपना ही जवाब देना पड़ेगा, हमको ये सब कुछ अभी नहीं कहना है, आगे देखेंगे तो निश्चित रूप से आप। बिहार में ईडी और सीबीआई का मिसयूज हो सकता है? बिहार में ईडी और सीबीआई का मिसयूज हो सकता है? अरे आप सोच लीजिए कि जो भी किसी चीज का दुरुपयोग करने का आदि होगा तो आप समझ लीजिए कि जनता इसके बाद एक एक चीज समझ करके निर्णय लेगी। समय कल तक जो आपको विकास पुरुष कहते थे, कल तक जो आपको विकास पुरुष कहते थे, लेकिन आपको पीएम के चेहरा के तौर पे देखा जा रहा है। देखिए भाई, एक बात हम हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, वो सब मेरे मन में कोई बात नहीं, जो कहता रहे हमारे नजदीक भी कह देता, हम प्रणाम करते चोरों भाई सर। हमारा काम है सबका काम करना, और हम कोशिश करेंगे कि सभी दल मिल करके एक साथ चलें, विपक्ष वाले
तो बहुत अच्छा होगा, एक साथ मिल करके रहेंगे तो लोगों की समस्याओं के लिए बात करेंगे और समाज में अच्छा वातावरण रहे इसके लिए सब मिल करके कोशिश करेंगे, बिहार के सपने को पूरा करेंगे, पीएम बनेंगे। अरे सबकी इच्छा है, पहले ही बता दिया सर। एक सवाल इस तरह सब हमसे मत पूछिए सर, एक सवाल इस तरह से नेशनल अपोजिशन यूनिटी के लिए।